नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जिले श्री गंगानगर की। अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर शहर भारत के राज्य राजस्थान का एक जिला और शहर है जो राजस्थान राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से तकरीबन 467 किलोमीटर दूर और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 418 किलोमीटर दूर बसा गंगानगर राजस्थान का पहला नियोजन शहर है। इस शहर की रूपरेखा पेरिस से मिलती जुलती है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर बसे इस शहर में एक समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता विकसित हुई थी, लेकिन कई सदियों बाद पानी की कमी के कारण ये इलाका रामनगर नामक एक छोटी सी ढाणी बनकर रह गया। फिर समय बदला और गंगानगर आज राजस्थान का सबसे तेजी से विकसित होने वाला एक जिला है। इसके इतिहास की कहानी क्या है और क्या वजह है जिसकी वजह से गंगानगर बार बार बसता और उजड़ता रहा है, तो आइए हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर राजस्थान के उत्तर में बसा है। श्री गंगानगर जहां सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। क्या आप जानते हैं पहले गंगानगर बीकानेर का एक हिस्सा हुआ करता था। गंग नहर आने से पहले ये एक बंजर इलाका था। और क्या आप ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान ये एक अच्छा खासा शहर था। गंगानगर के इतिहास की दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमें भी हजारों साल पीछे जाना होगा। तब यहाँ पर सरस्वती और रश्वती नदियाँ बहती थी, जहाँ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। कुछ समय बाद नदियाँ सूख गई और ये सभ्यताएँ भी नष्ट हो गई और ये इलाका पूरी तरह बंजर इलाके में तब्दील हो गया। फिर साल 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ गंग नहर लाकर यहाँ की बंजर जमीन को हरा भरा किया। श्री गंगानगर में बहुत प्रसिद्ध लोगों ने जन्म लिया, जिसमें अवतार सिंह चीमा जी जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, और जगजीत सिंह जी, इनका नाम बेहद लोकप्रिय गजल गायकों में शुमार है। रविंद्र कौशिक जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, केदारनाथ शर्मा राजस्थान सरकार के पूर्व होम मिनिस्टर, इनका जन्म भी श्री गंगानगर में ही हुआ था, और जगदीश जांदू 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले पहले सभापति थे। इतिहास श्री गंगानगर का। राजस्थान राज्य का उत्तरी जिला गंगानगर पहले बीकानेर का एक हिस्सा था। 1927 से पहले श्री गंगानगर को रामनगर के नाम से जाना जाता था। 1927 में गंग नहर के उद्घाटन के बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसे गंगानगर नाम दिया, और आज भी 26 अक्टूबर को गंगानगर स्थापना दिवस मनाया जाता है। श्री गंगानगर का प्राचीन नाम था रामनगर अथवा रामू जाट की ढाणी, और जिले का उपनाम है राजस्थान का अन्न का भंडार, बागानों की भूमि और अन्न का कटोरा। यहाँ के लोगों की भाषा बागड़ी या पंजाबी होती है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी भाषा भी बोली जाती है। गंगानगर जिले के कुछ क्षेत्रों में बागड़ी संस्कृति को देखा जाता है। यहाँ पंजाब के गीत और राजस्थान के भक्ति गीतों को सुना जाता है। श्री गंगानगर जिले का क्षेत्रफल 1978 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का 18वां सबसे बड़ा जिला है, जिसकी सीमाएँ उत्तर से पंजाब में और पश्चिम से पाकिस्तान में लगती है। पाकिस्तान से लगने वाले सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं लगती हैं। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत श्री गंगानगर जिले के हिंदूमलकोट से होती है, और श्री गंगानगर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 210 किलोमीटर है। पाकिस्तान की सीमा के पास लगने वाला सबसे नजदीक मुख्यालय श्री गंगानगर का है। अगर हम श्री गंगानगर के जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार गंगानगर जिले की जनसंख्या 19,69,168 जो अमेरिका के मेक्सिको राज्य के बराबर है। जनसंख्या की दृष्टि से श्री गंगानगर राजस्थान का 15वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है।
श्रीगंगानगर मुख्य रूप से 9 तहसीलों से मिलकर बना हुआ है। श्रीगंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 80% लोग खेती पर निर्भर हैं। श्रीगंगानगर शहर का विकास उस समय शुरू हुआ जब इस शहर को गंग नहर से जोड़ा गया। यह राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है। इस नहर का उद्गम पंजाब के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान पर सतलज नदी से होता है। इस नहर के आ जाने के बाद यहाँ कृषि का उत्पादन बहुत तेजी से हुआ है। इस नहर को गंगानगर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। गंगानगर में 80% सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। यहाँ ट्यूबवेल की मात्रा बिल्कुल कम है। अगर पैदावार की बात की जाए तो गंगानगर रसीले और बेहतरीन किन्नू के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं, चावल और गन्ने की खेती की जाती है। इनका उत्पादन अधिक होने के कारण इनको पंजाब व हरियाणा राज्य में निर्यात किया जाता है। हालांकि श्रीगंगानगर पहले रेगिस्तान का एक हिस्सा था, लेकिन यहाँ की नहरों इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर ने यहाँ पर हरियाली भरा माहौल बना दिया। श्रीगंगानगर में सभी उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं प्रेसिंग फैक्ट्रियाँ, सरसों तेल की मिलें, गेहूँ की आटे की मिलें। श्रीगंगानगर शुगर मिल जो रॉयल हेरिटेज स्टिकर के लिए जानी जाती है। श्रीगंगानगर जिले में जिप्सम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका निर्यात राजस्थान के बाहर भी किया जाता है। श्रीगंगानगर के सुरतगढ़ तहसील के ठुकराना गांव में सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। ये राजस्थान का प्रथम सुपर पावर प्लांट और राजस्थान का सबसे बड़ा तरल ईंधन बिजली घर है, जो 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है और इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थस्थल भी कहा जा सकता है। गंगानगर शहर में आज भी चावल, कपड़ा और चीनी की बहुत सारी मिलें उपलब्ध हैं, जिन्हें गंगानगर की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। श्रीगंगानगर के सुरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक फॉर्म स्थित है, जिसके अंदर ही राज्य फॉर्म की स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई थी। इस फॉर्म को भारत और रूस की मित्रता का एक प्रतीक माना जाता है। यहाँ के पर्यटक स्थल भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा, लैला मजनू की मजार, अनूपगढ़ का किला, हिंदू मलकोट सीमा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा साहब के साथ साथ गौरी शंकर का मंदिर भी पर्यटकों का मुख्य केंद्र है। भेड़ें। श्रीगंगानगर विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जहां नाले किस्म की भेड़ें पाई जाती हैं। इन भेड़ों की सबसे खास बात यह है कि इनसे मिलने वाली ऊन का रेशा सबसे लंबा होता है। धूल भरी आंधियां। गर्मियों में धूल भरी आंधियां सबसे ज्यादा गंगानगर में ही चलती है, जिसके कारण रेत के छोटे छोटे टीले आज भी यहां पर मौजूद हैं। इन आंधियों को राजस्थान में लू के नाम से जाना जाता है। ट्रेनें। श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन से यहां के आसपास के शहर, गांवों, कस्बों के लिए यहां से ट्रेनें ली जा सकती हैं। लंबी दूरी की ट्रेन की बात करें तो यहां से नई दिल्ली, हावड़ा स्टेशन, हजूर साहिब नांदेड़, कोचुवेली, ऐसे अनेक स्टेशनों के लिए यहाँ से ट्रेनें ली जा सकती। श्रीगंगानगर के बस स्टैंड से भी यहाँ के आसपास के गांव, कस्बों, शहरों की बसें ली जा सकती हैं और ऐसे ही लंबी दूरी की कई बसें यहाँ से ली जा सकती हैं। तो गाइस, ये थी गंगानगर की कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।